होलिका दहन की कहानी एक बार जरूर सुने। हिरण्यकश्यप पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप असुर जाति का अत्याचारी और निर्दयी राजा था। उसके अत्याचार के कारण वहां की प्रजा भी बहुत दुखी थी। हिरण्यकश्यप को भगवान से वरदान मिला था कि इसे कोई नहीं मार सकता है। इसी के घमंड में अंधा होकर उसने स्वयं को भगवान मान लिया और अपनी प्रजा को भी अपनी पूजा करने के लिए विवश किया। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। प्रहलाद अपने पिता द्वारा स्वयं को भगवान मानने की बात का विरोध किया करता था, जिसके कारण हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता था। प्रहलाद अपने पिता को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहता और भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए बोलता था, मगर हिरण्यकश्यप को अहंकार और शक्ति का इतना घमंड हो गया कि वह खुद को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि उसका पुत्र प्रहलाद दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करता है और अपने पिता की नहीं, तब उसे इतना क्रोध आया कि उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, मगर वह असफल रहा। अंत में उसे अपनी बहन होलिका की याद आई। होलिका को वरदान मिला था कि वह आग में नहीं जल सकती है। इसी का फायदा उठाकर उसने प्रहलाद को आग में जलने की चाल चली और अपनी बहन के पास गया और उससे बोला कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाना। तब होलिका हिरण्यकश्यप के कहे अनुसार प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। मगर प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था तो उसे भला क्या हो सकता था। उल्टा होलिका अपने वरदान में मिली आग में ही जलकर राख हो गई और भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचा लिया। इसी घटना को हम सब होली के दिन यानी होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का भी अंत कर उसके आतंक से सबको मुक्त किया और हिरण्यकश्यप को उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। इस तरह धर्म की अधर्म पर विजय हुई। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।